कोरिया जिले में एक ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। ठग अपने आप को ग्राम उद्योग का अधिकारी बताकर ठगी करता था। कोरिया जिले के पुलिस चौकी में ग्राम उद्योग के नाम से लोन दिलाने के नाम से दो व्यक्तियों ने लगभग 1,00,000 रुपए की ठगी की। ठगी करने वाले आरोपी मोहम्मद तैयब खान को पुलिस ने मनेंद्रगढ़ से पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस का कहना है कि मोहम्मद तैयब ने पीड़ितों को ग्राम उद्योग का अधिकारी बता के लोन दिलाने के नाम से लगभग 1,00,000 रुपए की ठगी की है। आरोपी के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो अपने आप को बोलता रहा कि मैं खादी ग्राम आयोग का फील्ड अफसर हूँ, लोन प्रभारी हूँ और एक सरकारी आई कार्ड हम लोगों को दिखाया और जिसमें अपने आप को क्षेत्र का लोन प्रभारी बता के रायपुर में लोन पास करवाता हूँ। कलेक्ट्रेट बैकुंठपुर से मेरा कांटेक्ट है तो फिर हम लोगों से लोन के प्रक्रिया बताने लगा और बोला कि मैं लोन का काम करवा दूंगा और आप लोग मतलब उसमें 5% खर्च बता के और मतलब 1,05,000 रुपया ऐसे बताया कि 1,05,000 रुपया खर्च लगेगा। इतना पैसा हम लोगों से लेके और एक कागज़ पत्र अपना लिया और हम लोगों का जो आधार कार्ड, आई कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, पूरा दस्तावेज लेके हम लोगों से और फिर चला गया। ये आरोपी है तैयब खान, वार्ड क्रमांक 19 मनेनगढ़ का रहने वाला है। ये डोमन हिल गया और अपने आप को खाद्य ग्रामोद्योग विभाग का अधिकारी बताकर ये प्रार्थी बाबू राम को 7,00,000 रुपया लोन दिलाने के नाम पर 32,500 रुपया लिया और ये अमरजीत पटेल है उसको फैब्रिकेशन में 12,00,000 रुपया लोन दिलाने के नाम पर 50,000 रुपया लेकर धोखाधड़ी किया गया है इसको। और इन्हें टाल मटोल कर रहा था, है तो धोखाधड़ी का मामला, इसको आज दिनांक को वो गिरफ्तार कर लिया गया है जिसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। इसमें धोखा अपने आप को छिपाया और धोखाधड़ी किया है तो धारा 419-420 इसमें लगाई गई है। इनके पास से पैसा किया गया है, ये तो 1 साल पूर्व की बात है, पैसा को तो खर्च कर दिया होगा।